जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। आज का हमने जो टॉपिक रखा है वो ये है कि वेट लॉस करना है तो खाना क्यों छोड़ें? Why we skip dinner and benefits of early dinner? बहुत सारे लोगों का ये डिस्कशन रहता है और ये क्वेरी रहती है कि मैम हम लोग डाइट कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, तो हम लोगों को डिनर छोड़ना पड़ेगा ना। मोस्टली लोगों का ये सवाल होता है, क्यों छोड़ना है आपने डिनर, खाना किस लिए छोड़ना है? तो डाइट प्लान का मीनिंग क्या आपको खाना स्किप कराना है? डाइट प्लान का मीनिंग ये नहीं होता कि आप लोगों को खाना स्किप करना है या खाना छोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डाइट प्लान का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर खाना खाना है तो कैसे और कितना और किस क्वांटिटी में खाना है, और जो चीज़ें नहीं खानी तो उसके अल्टरनेटिव फूड्स कौन से हैं, तो हमने कौन से फूड्स खाने हैं। तो ये जो डाउट रहता है लंच स्किप करने का, डिनर स्किप करने का, ब्रेकफास्ट स्किप करने का, मींस कोई भी एक मील स्किप करने का जो एक ट्रेंड है कि हम लोगों को एक मील स्किप करना पड़ेगा वेट लॉस करना है तो मैम कैलोरीज तो कम करनी ही पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ती हैं, लेकिन मील स्किप करके नहीं। खाना आपको प्रॉपर खाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि आपकी जो डाइजेशन वाली मशीनरी है अगर उसमें फ्यूल डालना बंद कर देंगे, मींस फूड डालना बंद कर देंगे, तो उस मशीनरी में रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा, उस मशीनरी में जंग लगनी शुरू हो जाएगी। और जब मशीनरी को रस्टिंग लगना शुरू हो जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा बूस्ट होने की बजाय, और जब मेटाबॉलिज्म वीक होता है तो वेट ऑटोमेटिक गेन होना शुरू हो जाता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। मैं एक बार देख लूँ मेरे साथ कौन कौन लोग लाइव हैं। हेलो नेहा, जयश्री बालाजी, सीमा बंसल जी, नरसिंह बीस जी, जयश्री बालाजी, महेंद्र जैन जी, जयश्री बालाजी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टर बंसल, अजीत मिश्रा जी, जयश्री बालाजी, प्रीति जैन जी, हेलो, गौरव मिड्डा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, रंजीत कौर जी, हेलो, थैंक यू मुकेश जी, पंकज बंसल जी, जयश्री बालाजी, बिशन गर्ग जी, हेलो सीमा जी, थैंक्स फॉर एप्रिशिएशन, विकास चौधरी जी, थैंक यू, नेहा अरोड़ा, कैन यू सेंड योर फाइबर बिस्किट्स, आई वांट योर बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल जो वेट रिड्यूस में हेल्प कर। नेहा जी, इन सब रिक्वायरमेंट्स के लिए, इन सब ऑर्डर्स के लिए आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालें। बिशन गर्ग जी, हेलो, सिमरन बवेजा जी, हेलो, परमजीत सेठी जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, विपिन गुप्ता जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, रेनू पुनित सिंगला, हेलो, नेहा शौबित जी, हेलो, मीनाक्षी जैन जी, जयश्री बालाजी, रेनू तलवाड़िया जी, जयश्री बालाजी, सुमन मित्तल जी, नीलिमा सिंह जी, जयश्री बालाजी, और मनीषा अग्रवाल जी, हेलो। देखिए, अब जिन लोगों के नाम बीच में रह गए हैं, जो छूट गए हैं, प्लीज़ मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, और उसके बाद भी हम आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप सब लोग अपने मैसेजेस कंटिन्यू रखें, और आज आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों के जो जो क्वेरीज होंगी, तो क्योंकि
रोजाना मेरे साथ लाइव में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, आप सैकड़ों लोग मेरे साथ लाइव सेशन में आते हैं और सबके सवालों के जवाब देने मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाते हैं। तो आज मैं एक क्लाइंट के साथ ये डिस्कस कर रही थी कि मैं क्या करूँ, मुझे मेरा लाइव सेशन जो है वो 10 मिनट से 20 मिनट, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, नाउ 70 मिनट्स तक जाने लग गया है। अब मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा लाइव सेशन इतना लंबा भी मुझे ना करना पड़े और जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके मैं रिप्लाई भी दे पाऊँ। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा टिप दिया जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैं उन्हीं लोगों के सवालों के जवाब दूंगी जिन लोगों के नेम के साथ में शेयरर लिखा हुआ आएगा। आप लोग अपनी आईडी के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, अपने किसी फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने किसी फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं। जिनकी आईडी के साथ में शेयरर लिखा हुआ होगा मैं उन्हीं के सवालों के जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि सभी के सवालों के जवाब दे पाना थोड़ा सा टफ हो गया था और लाइव सेशन बहुत लंबा चला जाता था और जिस टॉपिक पर हमें बोलना था वो टॉपिक हमारा कई बार बीच में रह जाता है। मुझे थोड़ा सा आँख में इरीटेशन लग रही थी, मुझे लग रहा है शायद आँख में कुछ गिर गया है, हाँ सॉरी, बार बार मुझे हाथ लगाना पड़ रहा है। तो हम जिस के बारे में बात कर रहे थे कि डाइजेशन सिस्टम हमारा जो है वो रात के खाने के बाद उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, ऐसा क्या होता है कि रात का खाना हम लोगों को हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि आपको डिनर करना तो चाहिए, स्किप नहीं करना। एक तो डिनर आपने जो करना है वो लाइट करना है। लाइट का मतलब क्या है, वजन में हल्का? नहीं, लाइट मीन्स हैवी नहीं होना चाहिए, फिर भी वेट की बात आ रही है, मीन्स उसमें कैलोरीज कम हो, प्रोटीन्स कम हो, फाइबर्स ज़्यादा हो, ऑयली ना हो, वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा हो। तो ये सब जो हम आपसे आज अर्ली डिनर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने रात वाला खाना जो लाइट लेना है, हाई फाइबर लेना है, लो प्रोटीन लेना है, लो कार्ब लेना है, तो उसके अंदर आपका जो एक मेन जो उसके पीछे कॉज है वो ये है कि आपके हेवी खानों से आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी वीक हो जाता है, जिससे आपका बेली फैट, आपका बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी में दिन भर सुस्ती रहती है नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं। तो उस सुस्ती को भगाएं, दूर करें, और जब आप वो सुस्ती दूर करते हैं, जब आप वो सुस्ती भगाते हैं, मींस आपका डिनर आप लाइट लेना शुरू कर देते हैं, तो सुबह उठने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितने भी बजे का आप अलार्म लगाते हैं, आपका झटाक से आपकी नींद खुलती है और आप वॉक के लिए भागते हैं गर्म पानी पी के। तो सोने के टाइम पे हमारी बॉडी क्या क्या काम कर रही होती है और हमें मील स्किप भी नहीं करना, उस टाइम पे बॉडी में क्या क्या फंक्शनिंग चल रही होती है, थोड़ा सा वेट, बबीता जी, मुकेश जी, कृष्ण राठौर जी, रेणु पुनित जी, मुक्ता वीज जी, कुसुम बंसल जी, मुकेश बंसल जी, संगीता बंसल जी, जय श्री बालाजी, यू ऑल, अनिकेत जी इनबॉक्स में, हाँ श्योर आप मैसेज कर सकते हैं, मुक्ता विज जी थैंक यू, थैंक्स फॉर कमेंटिंग, सोनिया गांधी जी हेलो, निकी जी, रीचा सेठी जी, जयशी बालाजी, क्वेश्चन के साथ में शेयरर लिखा हुआ आना कंपलसरी है। जो लोग शेयर करेंगे वीडियो उन्हीं के क्वेश्चंस के रिप्लाई दिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखें, जिन लोगों के साथ में शेयरिंग का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा उन्हीं के रिप्लाई किए जाएंगे। रात में बॉडी क्या क्या काम करती है, अभी जहाँ मैंने छोड़ा था, देखिए रात को अगर आप बहुत सारा खाना खा के सोते हैं, जब आप किसी दिन किसी शादी में जाते हैं, नेक्स्ट डे आप थोड़ा लेथार्जिक सा फील करते हैं मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, क्योंकि पूरी रात आपकी बॉडी ने उस खाना पचाने में लगा दी, आपकी बॉडी, आपका डाइजेशन सिस्टम पूरी रात उस हैवी खाने के लिए उसके साथ स्ट्रगल करता रहा उसको डाइजेस्ट करवाने में। लेकिन अगर आप बहुत लाइट फूड लेते हैं, आप फाइबर रिच फूड लेते हैं, तो आपका जो पचाने का प्रोसीजर है वो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में पूरा हो गया, तो बाकी के 3 से 4 घंटे जो आपकी नींद में बचे,
तो उसमें आपकी बॉडी ने आपके लिए जो काम किया, आपके सिस्टम ने, आपके हार्मोन्स रिपेयर होने शुरू होते हैं, आपके लीवर हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिलती है, आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, जिसको कि सारा दिन काम करते करते उस टाइम पे एक रेस्ट मिल जाता है कि पूरा दिन उसने आपके हर खाने को पचाना होता है तो रात को उसे एक रेस्ट मिल गया और आपकी बॉडी आपकी कैलोरी बर्न भी करवाती है। मींस आपने लाइट खाया तो आपका वेट लॉस हो रहा है, इट मींस आपकी बॉडी आपकी कैलोरीज आपके पुराने फैट को कंज्यूम करती है, उसको कंजम्पशन कराती है। इंटरमीटेंट फास्टिंग का नाम सुना होगा आपने, इंटरमीटेंट फास्टिंग का प्रोसीजर भी यही रहता है। 16:8 का जो रेशो हम रखते हैं उसमें क्या रहता है, आपने 8 घंटे खाया, 16 घंटे आपने उपवास किया, उसका भी यही रीज़न रहता है कि आप 8 घंटे खा रहे हैं 16 घंटे उपवास रख रहे हैं, मींस आपकी बॉडी को रेस्ट मोड मिल जाता है आपके बाकी सेल्स को रिपेयर करने के लिए, आपके बाकी ऑर्गन्स को फंक्शन को एक्टिव करने के लिए। तो ये जो सारा आपका प्रोसीजर रहता है, इस प्रोसीजर के लिए आपका जो डिनर है वो अर्ली होना बहुत ज़रूरी है, स्किप करना नहीं। डिनर अर्ली हो, लाइट हो, फाइबर रिच हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपके लेट डिनर से आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका डिनर लेट करने से आपको जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आपके साथ यहाँ कई बार डिस्कस करते हैं। डायबिटीज़ क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हाइपरटेंशन, ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। थायराइडिज्म, ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और अभी तो हमने कल जैसे जो टॉपिक ले रखा था ड्राई स्किन, वो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, क्योंकि आपके हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से ही वो भी आया। PCOD, PCOS, हेयर फॉल, आपका स्किन डैमेज होना, पिगमेंटेशंस, आपकी बॉडी के ऊपर आपके फेस के ऊपर ब्लेमिशेज आना, आपकी स्किन लूज होना, ऑल आर आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। आपके आपको डिप्रेशन में जाना, एंटी डिप्रेसिव पिल्स पे आना, ये भी आपके लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैकिंग है, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं या आपके थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको इम्प्रूव करना है, आपको बाहर आना है, तो ये भी इसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप कोई भी मील स्किप ना करें और डिनर आप लेट ना करें। लेट डिनर से आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं। अर्ली डिनर से क्या क्या फ़ायदे हैं? अर्ली डिनर के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट अर्ली डिनर का वेट लॉस वालों के लिए तो ये है कि उनका वेट लॉस फटाफट होना शुरू हो जाता है, वेट प्लेट्यूज नहीं आते, वेट बीच में आपका रुकता नहीं है। और नेक्स्ट, जेंट्स को भी चाहिए लेकिन फीमेल्स को ज्यादा चाहिए, स्किन ग्लोइंग हो जाती है, हेयर फॉल की समस्या भी कम हो जाती है, आपके रफ हेयर्स भी कम हो जाते हैं आपके अर्ली डिनर से, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आपके हार्मोनल रिपेयर को टाइमिंग मिलना शुरू हो जाता है। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और सबसे बड़ा, अंडर आई सर्कल्स, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, वो भी आपके अर्ली डिनर से बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि जब आप खाना टाइम पे खाते हैं वो टाइम पे डाइजेस्ट हो जाता है तो आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं आती है और आपका जो ब्लड है वो थिक नहीं होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, आपके TG यानी आपके ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में रहेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल्स आपके सभी कंट्रोल में रहेंगे, आपका लिपिड पूरा कंट्रोल में रहेगा। यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है आपका अर्ली डिनर। काफ़ी सारे लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम रहती है यूरिक एसिड वाली। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि मैम डिनर कितने बजे तक करें और वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए। देखो, कुछ तो होते ही नाइट ड्यूटी वाले हैं, कस्टमर केयर्स में करते हैं या आपके कुछ हेल्पिंग लाइंस होती हैं, जैसे मेरे काफ़ी सारे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से क्लाइंट्स हैं जो लोग बोलते हैं कि मैम हमारे ड्यूटी आवर्स इवनिंग 7:00 स्टार्ट होते हैं
और मॉर्निंग 5 o'clock तक चलते हैं या 7 to 7 होते हैं। जब रात में जब चलते हैं उनके 7 to 5 या 7 to 7 उनके जो वर्किंग आवर्स हैं, उन लोगों के लिए सभी चीज़ों के मील्स के सभी के टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन आम रूटीन में मेल और फीमेल के टाइमिंग भी मैच नहीं होते। सभी के लिए डिनर का टाइम एक नहीं हो सकता, सभी का लाइफस्टाइल अलग अलग है। उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, उनके सोने के टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम को हम मैनेज करना सिखाते हैं। अगर हम किसी डॉक्टर की बात करें, जैसे मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपने OPD को संभालना है, या जो सर्जन्स हैं वो अपने सर्जरीज OT, उनके पास तो एमरजेंसीज भी बहुत रहती हैं। तो वो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन लोगों के अगर मैं कोई डिनर लंच या शेड्यूल कर दूं टाइम, तो मुझे नहीं लगता कि वो एकदम पर्टिकुलर उस शेड्यूल के अंदर। मैच करेंगे क्योंकि हॉस्पिटल से जो आने की टाइमिंग है वो कभी तो होती है कि 8 बजे ही आ गए और कभी होता है कि 12 बजे तक नहीं आए। तो उनको भी डाइट प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सिर्फ इसीलिए कि अपनी बॉडी को मैनेज कैसे करें। ये नहीं है कि उनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत है, लेकिन एक सिर पे स्टिक चाहिए, एक डंडा चाहिए। क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्यूटर क्यों रखना पड़ता है, टीचर क्यों रखनी पड़ती है? टीचर और ट्यूटर रखना इसीलिए पड़ता है कि आपका जो शेड्यूल है उसको कोई तो ऐसा हो जो मैच करवा सके, जो उस शेड्यूल को पूरा कर सके। जब आपके उस शेड्यूल के ऊपर कोई आपको चलना सिखाता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब में जो टीचर्स हैं मेनली, वो भी अपनी लाइफ से देखो, मैं एक टीचर की लाइफ थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे मेरे पास जब टीचर आते हैं, मैम हम सुबह 4:30-5 बजे के बीच में उठते हैं, मैं बोलती हूँ वेरी गुड, देन उसके बाद आपका वॉक होता है। नहीं मैम, 7 बजे तो हमें निकलना होता है घर से। 7 बजे आपको घर से निकलना होता है, तो फिर उससे पहले आप क्या करते हैं? मैम 4:30-5 बजे उठते हैं, हस्बैंड को भी साथ उठाती हूँ क्योंकि वो भी जॉब में है। देन उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं, 2 बच्चे हैं जी, बच्चों को भी रेडी करते हैं, दोनों बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ, हस्बैंड का टिफ़िन बनाती हूँ, मेरा टिफ़िन बनाती हूँ, वेजिटेबल्स कट मेरे हस्बैंड करते हैं, सैलेड की कटिंग मेरे हस्बैंड करते हैं, और कपड़ों को मशीन में मेरे हस्बैंड डालते हैं, मैं किचन संभाल रही होती हूँ। अब आप देखिए उस लाइफ को जो दोनों उन हस्बैंड वाइफ की थी, उस स्ट्रगल को देखिए आप एक बार। उन्होंने 4 तो टिफिन बना लिए, 7 बजे घर से निकलना है, 7 बजे घर से निकलना है, 4 वो टिफिन बना चुके हैं, और उन 4 टिफिन को 600 बनाने के बाद बिना किसी शिकन के नए योद्धा बनाने के लिए वो चल पड़ते हैं। उन्हें नहीं पता उनके पढ़ाए हुए बच्चे आगे कौन IAS ऑफिसर बनने वाला है, कौन जजेस बनने वाले हैं, कौन एडवोकेट्स, कौन डॉक्टर्स, कौन क्या बनने वाला है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के उस स्ट्रगल को जिंदा रखा हुआ है। तो इस लाइफ के स्ट्रगल को जब आप जिंदा रखते हैं, जब आप रखते हैं, तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं उनको इस लाइफ में जीना सिखाती हूँ, जब मैं उन्हें वो टिप्स बताती हूँ कि आपने अब अपनी लाइफ को कैसे जीना है, आप कैसे उन मोमेंट्स को और ज़्यादा जी सकते हैं, उन मोमेंट्स को आप इतने
प्यार से, इतने मोटिवेशन से, इतने उसको पॉजिटिविटी के साथ आप उस मोमेंट्स को अपने टिफिन के अंदर आपने क्या क्या लेके जाना है जिससे आपका एनर्जी लेवल प्लस होता जाए, आने के बाद आपने क्या करना है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट कैसे करनी है, अदरवाइज वो आपस में इरिटेटेड होना, इरिटेशन वाला नेचर होना, आपस में छोटी छोटी बातों पे झगड़े कभी कभी हो जाना, तो वो सब ना हो, इन चीजों के हम डिस्कस करते हैं उनके साथ। तो उन सबके लाइफ काफी हद तक वो सोचते हैं कि चेंज हो चुके हैं और हो रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं एक बार किन के सवाल हमारे पास आए हैं। मीरा धर्मपाल जी, आप चाहते हैं कि आपने वेट लॉस करना है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। मोहम्मद रिजवान जी, आपके सर में दर्द रहता है कुछ बताएं, टेंशन भी नहीं लेता हूं और घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 साल से सर दर्द हो रहा है। मोहम्मद रिजवान जी, आप अपनी आई टेस्टिंग भी करवाएं, और आपको सर में दर्द अगर 5 साल से कंटिन्यू है, आप एनीमिक भी हो सकते हैं, आप अपने HB लेवल की जांच जरूर कराएं, और एक बार आप न्यूरोफिजिशियन से भी कंसल्ट कर लें, क्योंकि 5 ईयर से पेन रहना कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। पायल बिश्नोई जी, आप वेट कम करना चाहती हैं, मेरे वेट रिड्यूस करने के काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं मेरे फेसबुक पेज पे, डाइटिशियन पूजा बंसल, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। अदरवाइज इसमें ओपन करके देना, अदरवाइज आप मेरे वीडियोस के बजाय अगर पर्सनल डाइट प्लान कस्टमाइज लेना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तरुण अग्रवाल जी, आपका वेट 85 kg है, आपकी एज 30 है, आपके हाइट आपने नहीं मेंशन की है, लेकिन आपका वेट फिर ज़्यादा है तो आप वेट लॉस के लिए कांटेक्ट करें। नाहिद हुसैन जी, टोरंटो कनाडा से आप हैं, कनाडा से नाहिद जी, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो कनाडा से हैं, आपके टोरंटो से भी, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कमेंटिंग। पूनम जी, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ। डाइटिंग के लिए क्या फूड लें? पूनम जी, सभी खाने डाइटिंग के लिए होते हैं, डाइट्स के लिए होते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड नहीं होता जिसको हम डाइटिंग फूड कहते हैं। हाँ, फ्रूट एंड सैलेड को लोगों ने बदनाम कर रखा है, सारा दिन फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं, सूप पिएं, ऐसा कुछ नहीं है। डाइटिंग में आप इडली, ढोकला, डोसा, आप सब कुछ खा सकते हैं, पनीर टिक्का, पनीर कटलेट, पनीर सैंडविच, टोफू, सोया चाप, आप सब कुछ खा सकते हैं, बेबी कॉर्न, आप रोस्टेड कॉलीफ्लावर, मशरूम टिक्का, नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन टिक्का, ग्रिल्ड चिकन, आप ये सब भी खा सकते हैं, ग्रिल्ड फिश, आप ये सब चीज़ें डाइट में ले सकते हैं, लेकिन इनके लिए मॉडरेट क्वांटिटी होती है, वो कितनी लेनी चाहिए वो कस्टमाइज रहती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आपके लिए क्या और कितनी क्वांटिटी मेंशन करी जाए, और आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग कि आपका डाइजेशन कैसा है जिससे कि आप वेट ना बढ़ाएं। जय श्री बालाजी। अमित गुप्ता जी, निशा जी, आप कह रहे हैं कि आपका इंच लॉस होता है लेकिन आपका वेट लॉस नहीं होता। निशा जी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो वर्डिंग आप बोल रहे हैं ये जिम वालों की वर्डिंग है, ऐसे वर्डिंग ओनली जिम्स में होते हैं कि आपका इंच लॉस हो रहा है, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो आप ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, इंच लॉस आपके वेट लॉस के बाद शुरू होता है, पहले वेट लॉस शुरू होता है उसके बाद इंच लॉस शुरू होता है, लेकिन आपके आप कह रहे हैं कि सिर्फ इंचेस जा रहे हैं, बॉडी टोनअप होना बहुत अच्छी बात है, स्किन टाइट होना बहुत अच्छी बात है, बॉडी को टोन्ड रखना चाहिए एक एज के बाद, एक लिमिट के बाद आप ये सब नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इसको टोन्ड रख लिया, स्किन को आपने टोन अप रख लिया, तो आप उसे हमेशा भी रख सकते हैं। 800 प्लस का मैसेज कर दो, तो आप उसको हमेशा के लिए मेंटेन कर सकते हैं। और किन लोगों के सवाल हैं? तो
नहीं जरूरी। जिन लोगों के सवाल है प्लीज़ वो ऊपर नीचे हो गए हैं, आप प्लीज़ जिनका कोई भी क्वेश्चन जो ज़्यादा ज़रूरी है वो दोबारा टाइप कर दीजिए, मुझे ढूंढने में बहुत देर लग रही है। आरती बिलंडी जी का सवाल जो सबसे लास्ट में मुझे दिख रहा है वो ये है कि मेटाबॉलिज्म सही करने के लिए क्या करें। आरती जी खूब खाएं, जितना खाएंगे उतना मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, आपको ये बात मेरी मजाक लग रही है। जो लोग कम खाते हैं, जिन लोगों को खाने से डर लगता है, जिनको खाने से फोबिया है, जिनको ये लगता है कि मैं खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, जो बहुत सारी चीज़ों से सिर्फ डर के मारे नहीं खाते, उन लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ वो खाने से ना डरें, खाने की चीज़ें सिर्फ खाने के लिए बनी है। डॉक्टर रुचि अग्रवाल जी, 6 किलो वेट कम करने के बाद आपका वेट स्टक हो गया है। डॉक्टर रुचि, आप 6 किलो वेट के बाद आपका वेट स्टक कह रही हैं और इसके बाद आप कह रही हैं कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आप कुछ सजेशन मांग रहे हैं। डॉक्टर रुचि, आपको एक कस्टमाइज प्लान की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता आपके ड्यूटी आवर्स क्या हैं, आप किस टाइम पे कैसा मील ले सकती हैं, आपके नाइट ड्यूटी आपके रोस्टेड ड्यूटीज़ में नाइट ड्यूटीज़ हैं, डे ड्यूटीज़ हैं, मुझे उनके अकॉर्डिंग आपको प्लान आउट करके देना होता है। हाँ, वेट लॉस करने के लिए अभी हम फिलहाल के लिए आपको यही कहेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है प्लीज़ आप उस पर गौर करें, अर्ली डिनर टॉपिक, तो आप इसमें इस चीज़ के ऊपर गौर करें, आप कोशिश करें आपका डिनर अर्ली हो जाए। जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप एक बार रिपीट कर दें, जो लोग अपना सवाल का जवाब चाहते हैं। गुड इवनिंग सिद्दकी जी, वजन कम करने के लिए ही बात कर रहे हैं हम इतनी देर से, सेम क्वेश्चन ना करें प्लीज़। प्राची जी, प्राची सचिन बंसल, आपकी बेटी 13 साल की है और वेट 50+ है, कैसे रिड्यूस करें? प्राची जी, आपकी बेटी का एज जो है वो 13 ईयर है और 50+ आपकी बेटी का आप बता रहे हैं कि वेट है, तो देखिए ये जो वेट है ये डेंजर जोन में जा चुका है, मीन्स बिटिया का वेट काफ़ी ज़्यादा है, आपको जल्द से जल्द कुछ अच्छा सा स्टेप उठाना चाहिए, एक हेल्दी स्टेप उठाना चाहिए जिससे कि आपकी बिटिया का वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ लाइव सेशन में आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ के एक मैं रिप्लाई दे दूँ तो इट्स ओनली ए फॉर्मेलिटी। आप मुझे अगर मेरे से ही प्लान लेना चाहते हैं तो पर्सनल आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अदरवाइज आप मुझे 10 बजे के बाद मॉर्निंग में कल कॉल कर सकती हैं, मेरा नंबर मेरे वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है। अलका जी, आपका वेट 72 है, हाइट 5'2" है, वेट लूज़ नहीं होता। अलका जी, वेट लूज़ क्यों नहीं होता? आपने वेट लॉस किया नहीं, आपको वेट लॉस मेंटर आज तक अच्छा मिला नहीं, अदरवाइज वेट की क्या मजाल कि वो लॉस ना हो लूज़ ना हो। ऐसा नहीं होता कि वेट लॉस नहीं हो रहा। सुपर्णा जी, सुपर्णा जी आप कीटो डाइट के बारे में जानना चाहती हैं, कीटो डाइट के साथ आपका प्रॉपर जिमिंग चाहिए, प्रॉपर वर्कआउट चाहिए, प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज चाहिए। कीटो डाइट एक बार करना आप लोगों के लिए बहुत इजी लगता है, क्योंकि मेनली देखिए कीटो डाइट तभी अच्छे से की जा सकती है जब आप नॉन वेज खाते हैं, लेकिन इसके साथ में अगर आपने जिमिंग एक्सरसाइज वर्कआउट कम किया तब आपका लीवर फैटी होना शुरू हो जाएगा, आपको बॉडी में कई तरह के डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। आरती ग्रोवर जी, आप मेरे क्लिनिक के बारे में जानना चाहती हैं। आरती जी, मेरा क्लिनिक सिरसा हरियाणा में है और सिरसा हरियाणा के अंदर मेरा क्लिनिक ए ब्लॉक 110। प्राची चनानी, आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है 15 सालों से। प्राची जी, आप अच्छे से पूरा चेकअप कराएं, आपकी स्किन ऑयली है, आप अपनी स्किन को मैंने ऑयली स्किन के लिए काफ़ी कुछ बताया है, पिंपल्स के लिए भी बताया है, मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकती हैं। परवीना चड्ढा कह रही हैं कि उनका वेट 125 है और उनको थायराइड है, शुगर है, कैसे वेट को लूज़ करें? परवीना चडवा जी, आपका वेट 125 है, ट्रिपल फिगर के बाद जो वेट होता है
हम उस वेट को काफी हद तक डेंजर में मानते हैं। आपको ये वेट जरूर कम करना चाहिए, डेफिनेटली कम करना चाहिए। अगर आप वेट कम नहीं करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। आप प्लीज़ पर्सनल कॉन्टेक्ट करें, चाहे मेरे साथ चाहे किसी भी डाइटिशियन के साथ, आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगे आप डाइट प्लान ज़रूर फॉलो करें। राहुल जी, आप आने के लिए टाइम मांगना चाहते हैं? राहुल कादयान जी, श्योर, आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। आप सैटरडे संडे कभी भी आ सकते हैं, और अगर कल आना चाहते हैं तो आप 10 o'clock मॉर्निंग में आ सकते हैं। आने से पहले आप अपना टाइम कंफर्म कर लीजिएगा। और भी कोई शेयरर बाकी हो जिन्होंने मेरी पोस्ट को शेयर किया है और मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर कोई रह गया है तो प्लीज़ आप एक बार फिर से मुझे मैसेज कर सकते हैं। लास्ट में भारती जी का है। आपका वेट 85 है और आपको थायराइड है और वेट कम करना चाहती हैं। भारती जी, वेट कम करने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप जब तक वो एफर्ट्स नहीं करेंगे, मींस आपको डाइट कंट्रोल कैसे करना है, डाइट कंट्रोल मींस भूखा नहीं रहना, ये तो दिमाग से निकाल दो कि डाइटिंग या डाइट कंट्रोल भूखा रहने को नहीं कहते। प्रॉपर खाना, कैसे खाना, कितना खाना, किस क्वांटिटी में खाना, वो सब सिर्फ सीखना है। मींस आपको डाइट लेसन लेना होता है, एक डाइट के ऊपर होमवर्क लेना होता है, डाइट कंट्रोल का मतलब। नंबर शेयर कर दिया है, आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप पे या कॉल पे। मोस्टली लोगों ने वेट के बारे में ही पूछा है, जिन लोगों को वेट का इशू है। आप लोग जो जो इंडिया से बाहर से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं अभी मेरे इस लाइव सेशन में, जो लोग इंडिया से बाहर के हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ अपने कंट्री के साथ में अपना मैसेज ड्रॉप कर दें कि आप किस कंट्री से हैं और आपको क्या प्रॉब्लम है। आप अपने कंट्री नेम के साथ मुझे मैसेज कर दीजिए। मेरा धर्मपाल नाम से साउथ अफ्रीका, इसका मैसेज है। मीरा धर्मपाल जी, आप साउथ अफ्रीका से हैं, आप मेरा लाइव वीडियो देख रही हैं। आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि 12 साल की बेटी है, 20 kg ओवरवेट है और आप उनके लिए डाइट प्लान चाहते हैं। श्योर मीरा जी, डेफिनेटली यू कैन टेक डाइट प्लान फॉर योर डॉटर। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सऊदी अरेबिया से कलीम अहमद सिद्दीकी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू। हेमांगी पटेल पूछ रही हैं कि उनके सिस्टर का वेट लॉस वो करना चाहते हैं। हेमांगी जी, आप अपने पेरेंट्स को कहिए वो कांटेक्ट करें। पाकिस्तान से कोमल फयाज जी, और वो कह रहे हैं कि उनको हेयर लॉस हो रहा है उनके हस्बैंड को और वो 32 ईयर ओल्ड हैं। हेयर लॉस के बारे में कोमल जी, मैंने ऑलरेडी वीडियो शूट किया हुआ है मेरा फेसबुक पे, मेरे पेज पे आप देख सकते हैं, डाइटिशियन पूजा बंसल के नाम से मेरा पेज है। यूट्यूब चैनल है मेरा डाइटिशियन पूजा बंसल, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे वीडियोस वहाँ भी आपको मिलेंगे। जो भी वीडियो यहाँ स्किप हो जाता है, नेक्स्ट डे उसको यूट्यूब पे भी देखा जा सकता है। तो आपको हेयर फॉल के लिए प्रॉपर पूरा वीडियो वहाँ से मिल जाएगा।
ओके कलीम जी, आप रियाद से हैं सऊदी अरेबिया के? डॉक्टर रुचि, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका वेट डेफिनेटली कम हो जाएगा। आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपके, जब हम वेट स्टक हो जाता है तब उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उसको हिलाने के लिए, उसको शेक करने के लिए। अलका जी आर्म्स को पतला करना चाहती हैं, अलका जी उसके लिए आप प्रॉपर कोई ऐप निकाल लीजिए, एक्सरसाइज ऐप। जमुना प्रसाद जी, मेरा नंबर मेरे वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है, जब वीडियो ख़त्म होगा तब आप देख सकते हैं। चंदा थेराट जी का सवाल है कि मैम आपके चार्जेस क्या हैं? सेहत से बढ़ के नहीं, ब्रांड हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन इतने एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन ब्रांड पहनने से आप खुद ब्रांडेड हो जाते हैं, तो ब्रांड को वही लोग पसंद करते हैं जिन्हें ब्रांड की वैल्यू है। गोल्ड खरीदने कौन जाता है? या तो शौकीन या फिर रिच, दो ही लोग गोल्ड और डायमंड खरीदते हैं, या तो जिनको बहुत ज़्यादा शौक है या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अदरवाइज तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो हर कोने पे मिलती है, फुटपाथ से लेके शोरूम तक, लेकिन उसे यूज एंड थ्रो कहते हैं। गोल्ड की चेन आपकी टूट के गिर भी जाए तब भी आप उसे कभी यूज एंड थ्रो नहीं कहेंगे। तो चार्जेस तो सोने और डायमंड के हमेशा बढ़ते रहते हैं, जब जागो जब भी सवेरा। सुनीला मेहता जी, आप कनाडा से हैं, आपको फैटी लीवर के बारे में सॉल्यूशन चाहिए। सुनीला जी, फैटी लीवर के ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुकी हूँ, लेकिन फैटी लीवर के लिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जब आपका लीवर फैटी हो जाता है तब आपको लिक्विड इनटेक बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि कोकोनट वाटर आप पी सकते हैं ज़्यादा, आप लेमन वाटर ज़्यादा पी सकते हैं, जिससे कि आपके लीवर का फैट कम होना शुरू हो जाए। और लीवर फैटी हो यानी कि टम्मी भी जब बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो वेट लॉस एक लास्ट उसके लिए ऑप्शन होता है, जिसमें आपको वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप एल्कोहलिक भी हैं तो आपको एल्कोहल इनटेक इस टाइम में कम कर देना चाहिए, अगर आप बंद कर सकते हैं तो और भी बढ़िया है। राधा वशने जी ने लिखा है कि वो इंडियन है और उनका वेट 84 है और हाइट 5'4" है। राधा जी, आपका वेट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, आपके हाइट के रेशो में अगर मैं देखती हूँ तो आपका वेट जो है वो 62 होना चाहिए, 22 केजी आपका वेट एक्स्ट्रा है, 22 किलो वेट आपको ज़रूर कम करना चाहिए। आप डाइट प्लान ले सकते हैं, कस्टमाइज डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मेरे पास, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मेरे पास फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, मेरे पास के अलावा भी आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप किसी भी एक ऑप्शन को पिक करें जल्दी से जल्दी। मनीषा जी कह रहे हैं कि उनका HB सिर्फ 6 ग्राम रहता है। मनीषा जी, आप काले चने का सूप पी सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, ड्राई फिग्स आती हैं, अंजीर, अंजीर को आप भिगो के खाना शुरू कर दें, गुड़ और चना को इकट्ठा खा सकते हैं, पालक की रोटी खा सकते हैं, जिससे आपका HB लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। देखिए, आज का वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत लंबा कर दिया है, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज 8th of July है, आज से ठीक 5 दिन के बाद यानी कि 13th of July, 13th of July मीन्स डे ऑफ मंडे, डे इज मंडे, ऑन दैट डे very special day for me. Why? मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है उस दिन, मिस्टर बंसल, 13 जुलाई को
उनका बर्थडे होता है, लेकिन ये डे स्पेशल और भी ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि उसी दिन मिस्टर बंसल यानी कि मेरे हस्बैंड के फादर का भी बर्थडे होता है। हमारे पापा का बर्थडे भी उसी दिन है और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी उसी दिन है। एक ही दिन में जब दो इतने बड़े घर में गुड न्यूज़ आए हैं, यानी जब मेरे फादर इन लॉ पैदा हुए, तो हमारी दादी माँ को कितनी खुशी हुई होगी कि मेरे एक छोटा सा बेटा हुआ है, और जब मेरे हस्बैंड पैदा हुए तो मेरे फादर इन लॉ को उतनी ही खुशी हुई होगी, मेरे भी एक छोटा सा बेटा पैदा हुआ है, एक बच्चा, एक हेल्दी बेबी। घर में एक ही दिन में ये दो जो लोग आए हैं, जो इन्होंने हमारे फैमिली को एक पिलर की तरह संभाला है, एक ही दिन में दोनों का बर्थडे आता है। वो दिन हमारे लिए स्पेशल है, लेकिन हम आपके लिए भी वो स्पेशल बनाना चाहते हैं। वो कैसे? मेरे इस करियर को सेवेंथ ईयर चल रहा है, सिक्स एंड हाफ ईयर हो गया मुझे प्रैक्टिस में, और सेवेंथ ईयर चल रहा है। मैंने 6.5 साल में, मेरे सभी क्लाइंट्स भी इस चीज़ के विटनेस हैं, उन्होंने बहुत बार मुझे, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस लिखना बंद कर दें, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। तो उस जो मेरे, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे, क्वेश्चन बार बार में आप रिपीटेडली डाल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो मैं उस दिन को आपके लिए खास कैसे बनाऊं, मैं उस दिन को आपके साथ में कैसे सेलिब्रेट करूं, वो दिन मुझे सेलिब्रेट करना, एक ऐसा काम करके मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूं। हम लोगों ने यहाँ 6.5 साल के इस पीरियड में कभी भी ट्रायल पैक के नाम से या ट्रायल प्लान के नाम से कोई प्लान कभी भी नहीं दिया। हमसे बहुत पेशेंट्स इस बारे में डिमांड करते हैं कि मैम कभी ट्रायल प्लान दे दो या ट्रायल पैक दे दो, मैम कोई ऐसा छोटा पैकेज भी होना चाहिए जो हम लोग एक बार। लेकिन क्लाइंट्स क्या बोलते हैं, मैम आप पे पूरा फेथ है, हम ट्रायल पैक मांग रहे हैं आपसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे फेथ नहीं है, हमें खुद पे फेथ नहीं है। ये क्लाइंट्स की वर्डिंग है। मैं कई बार बोलती हूँ आपको फीस पे करते हुए, क्या मुझ पे फेथ नहीं है? वो बोलते मैम आप पे तो कई गुना ज़्यादा फेथ है, तभी तो यहाँ पे कर रहे हैं, खुद से कई गुना ज़्यादा। लेकिन खुद पे ही नहीं है फेथ, तो क्या कोई ऐसा ट्रायल पैक होता है जिसमें हमें कम अमाउंट देके एक बार के लिए वो पैक मिल जाए, जिसे हम ट्राई करके देख लें, हमारे डिजीज़ के अकॉर्डिंग, हमारा वेट लॉस करना है, ट्रायल पैक के अंदर हम लोगों को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या थायराइडिज्म है या वेट लॉस कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी है, तो हमें आप एक सिंगल प्लान दे दो, ऐसा प्लान दे दो जिसे हम 1 वीक, 2 वीक या 4 वीक कंटिन्यू प्लान को फॉलो कर सकें। तो ऐसा कोई ट्रायल पैक क्या होता है? होता तो है, बाकी सब लोग देते भी होंगे, लेकिन मैंने या मेरे क्लिनिक से कभी भी नहीं दिया। आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के पास में अनाउंस कर रही हूँ मेरे इस लाइव सेशन में कि 13th of July मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ दोनों के बर्थडे के दिन एक मैं जो ट्रायल पैक आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, जो मेरे यहाँ कई बार सिंगल प्लान भी होता है, तो वो सिंगल प्लान भी 5000 का होता है, लेकिन उस दिन के लिए, सिर्फ ओनली 1 डे के लिए, वो प्लान ओनली 1500 का रहेगा, ओनली फॉर 1 डे। लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन आप मेरे पास आज, कल, परसों, आपके पास जो ये 3 या 4 दिन है, क्योंकि वो प्लान मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए लेके आ रही हूँ, आप लोगों को डाइट प्लान 13 जुलाई को मिलेगा, लेकिन आप लोग मेरे पास अपना रजिस्ट्रेशन, अपने अमाउंट को डिपॉजिट करा के आज से ही शुरू करवा सकते हैं और अभी से शुरू करवा सकते हैं। जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे मेरे मैसेज में, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं,
और कॉल करना चाहते हैं जो लोग, वो कल मुझे 10 बजे के बाद कॉल भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे ये एक सिर्फ जो एक सिंगल ट्रायल पैक जो आप ही के लिए लिखा होगा, हैंड रिटन, सिर्फ कस्टमाइज होगा उस एक पर्सन के लिए, जिस पर्सन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप देखेंगे कि आप अपने लाइफ को कितना चेंज होता देखेंगे, आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। जो जो लोग आपको लगता है कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस ट्रायल पैक के लिए, वो लोग मुझे यहाँ अभी कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके यस का मैसेज कर दें कि जिन्होंने ये ट्रायल पैक लेना है। वो मुझे यहाँ यस का मैसेज कर सकते हैं। तो इसके बारे में कोई और क्वेरीज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो प्लान है वो सिर्फ एक ही दिन के लिए है। और हमारे क्लिनिक से फर्स्ट टाइम ये ऑफ़र हम लोगों ने दिया, अदरवाइज़ हमारे क्लिनिक से हमने कभी भी किसी भी तरह का कोई भी ऑफ़र किसी भी प्लान पे नहीं दिया। जहाँ आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वहाँ आपको डिस्काउंट्स या ऑफर्स कभी मांगने ही नहीं पड़ते, कभी ज़रूरत ही नहीं समझते। हम लोगों को वहाँ तक सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि हमारे पास कभी किसी ने डिमांड ही नहीं की। हमारे पास तो डिमांड ही एक आती है कि मैम ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो बस। तो सिर्फ उनका सॉल्यूशन का आता है। और जो जो लोग यस का मैसेज कर रहे हैं वो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे एक बार कंफर्म कर ले। मैं अपना पेटीएम नंबर आपको अभी मैसेज कर देती हूँ। तो मेरा पेटीएम नंबर आपके पास अभी यहाँ मैसेज कमेंट बॉक्स में अभी आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे पेटीएम करके भी उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें। जो लोग मुझे पेटीएम करेंगे वो लोग मुझे स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें। इतने छोटे अमाउंट में डाइटिशियन पूजा बंसल का डाइट प्लान, वो भी कस्टमाइज हैंड रिटन, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा कभी नहीं होगी। और अगर होगी तो 13 जुलाई दोबारा नेक्स्ट ईयर ही आएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा पेटीएम नंबर सेम है रितु जी, वैसे तो मेरे वीडियो के ऊपर मेंशनड है 9468375040 9468375040। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया गया है मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा पेटीएम नंबर। और जो आपको पे करना है, पायल जी आप अमाउंट पूछ रहे हैं 1500 ओनली। जो ट्रायल पैक है वो पैक भी 5000 का होता है, अदरवाइज़ हमारे यहाँ वो पैक फर्स्ट टाइम हम आपको 1500 का प्रोवाइड कर रहे हैं। 6.5 ईयर में ऐसा पहली बार हो रहा है स्लिम फिट डाइट केयर डाइटिशियन पूजा बंसल के क्लिनिक से। अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज हैं तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के साथ फ्लैश हो चुका है इन कमेंट्स की लिस्ट में भी और मेरे वीडियो के ऊपर भी। रितु जी आप ये पूछ रहे हैं ये कितने दिन का प्लान है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये एक सिंगल प्लान रहेगा। ये सिंगल प्लान है जो कि आप 2 वीक्स 1 मंथ आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आप इसे 2 वीक्स में या 1 मंथ में आपको इससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आप हमारे पास दोबारा जब भी कनेक्टेड होना चाहते हैं तो आप अपना कोई भी पैकेज जो आप लेना चाहें तब आप पैकेज ले सकते हैं। 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर लाइफ टाइम
तो आप ऐसे वाले कोई भी फैमिली पैक, कपल पैक, चिल्ड्रन पैक, आप जो भी पैकेज लेना चाहें, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स हैं हर पैकेज के, तो आप उनमें से कोई भी एक पैकेज अवेल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ये ट्रायल पैक लेना चाहते हैं तो उसमें एक सिंगल डाइट प्लान रहेगा जिसे आप 2 वीक्स तक फॉलो कर सकते हैं या 1 मंथ तक फॉलो कर सकते हैं। 2 to 4 वीक तक वो सेम प्लान आप फॉलो कर सकते हैं और उस प्लान से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं। मैं हमेशा ये क्लेम करती हूँ कि मेरा जो भी प्रॉब्लम का पेशेंट आता है, विदिन 2 वीक उसे अपने रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, फिर आपको फीस मैटर नहीं करती। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे तो यू कैन स्किप। तो आपका लगा भी क्या है? कुछ भी नहीं। जाने की इजाजत देंगे आप लोग मुझे? जाते हुए जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता दूं मैंने वेट लॉस के लिए क्या क्या बताया था आप लोगों को, अर्ली डिनर के लिए आपको आज क्या क्या बताया था। लेट डिनर करने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो वीक हो जाता है। आप लेट डिनर करते हैं, हैवी मील करते हैं, तो आपकी जो मशीनरी है उसको बाकी काम करने के लिए मौका नहीं मिलता। आपके सेल्स रिपेयर नहीं होते, आपके हार्मोन्स रिपेयर नहीं होते, आपका लीवर इम्प्रूव नहीं होता, आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव नहीं होती, आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आने लग जाते हैं, आपको अर्ली डिनर से स्किन ग्लोइंग होती है, हेयर फॉल रुक जाता है, आपके ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो वीडियो के साथ, इसी लाइव के साथ आज मैं यहीं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। एनी मोर क्वेरी देन यू कैन व्हाट्सएप मी। माई कॉन्टेक्ट नंबर इज 9468375040। ये मेरे वीडियो के ऊपर भी है, मेरे कमेंट बॉक्सेस में भी है, यही मेरा पेटीएम नंबर है। इस ऑफ़र को अपने हाथ से ना जाने दें, इस ऑफ़र को ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी।